हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो वैसे आज की वीडियो में हम बात करते हैं 2024 की T20 वर्ल्ड कप की ना एसोसिएट नेशन के ऊपर हम बात करते हैं। देखो, वर्ल्ड कप ज्यादा दिन बचे हुए नहीं है एंड बहुत ही जल्दी देखते ही देखते T20 वर्ल्ड कप भी आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं एवरी एसोसिएट नेशन के ऊपर। तो देखो, इस वर्ल्ड कप में ना गाइस अभी तक सबसे ज्यादा 9 एसोसिएट नेशन ने क्वालिफाई किया है, जिसमें से अगर हम देखेंगे ना गाइस, कनाडा, यूएसए, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान, उगांडा, पीएनजी, नीदरलैंड्स एंड नेपाल, ये 9 टीम ने पहली बार किसी आईसीसी इवेंट्स में क्वालिफाई किया है। अगर हम इस 9 टीम को ना रीजन वाइज कंपेयर करेंगे तो देखो, एशिया से 2 टीम ने क्वालिफाई किया है, नेपाल एंड ओमान ने। यूरोप से स्कॉटलैंड एंड नेदरलैंड्स ने क्वालिफाई किया है। अमेरिका से यूएसए एंड कनाडा ने क्वालिफाई किया है। अफ्रीका से उगांडा एंड नामीबिया ने क्वालिफाई किया है एंड पैसिफिक से पापुआ न्यू गिनी ने क्वालिफाई किया है। अगर हम इसको रैंकिंग से देखें ना गाइस कि कौन सी टीम सबसे हायर रैंकिंग में है, तो देखो रैंकिंग के अनुसार ना गाइस, नामीबिया की रैंकिंग सबसे ज्यादा है एज एसोसिएट नेशन। उनकी रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग है 11 पोजीशन पर, बट एसोसिएट नेशन रैंकिंग है 1 पोजीशन पर। देन स्कॉटलैंड की रैंकिंग है 2nd पोजीशन पर, देन नीदरलैंड्स आते हैं 3rd पोजीशन पर, देन नेपाल है 4th पोजीशन, देन ओमान है 5th पोजीशन, देन पीएनजी है 6th पोजीशन, देन कनाडा है 7th पोजीशन, देन उगांडा है 8th पोजीशन एंड सबसे आखिर में यूएसए आता है 9th पोजीशन पर। एंड नामीबिया की रैंक तो बहुत ही अच्छे है, मैं मानता हूँ, क्योंकि नामीबिया की रैंक ना 2 फुल मेंबर से भी अच्छे हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं एवरी एसोसिएट नेशन के ऊपर। तो पहले हम नामीबिया की बात करते हैं, क्योंकि नामीबिया की रैंकिंग 1 पर है। तो इस टीम की कैप्टन है इरास्मस, जो मेरी हिसाब से बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है। ऑल्सो नामीबिया की 2 ऑलराउंडर टॉप 15 में भी आता है वर्ल्ड रैंकिंग में, जेजे स्मिथ एंड इरास्मस। नामीबिया ने इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में 2 टाइम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 2021 एंड 2022। मतलब मोस्ट रिसेंट जो पहले 2 T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, इन दोनों में नामीबिया ने क्वालिफाई किया था। लास्ट 2 एडिशन में बेस्ट रिजल्ट की बात करें तो 2021 में उन्होंने सुपर 12 के लिए भी क्वालिफाई किया था। उन्होंने अभी तक टोटल 52 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेला है, जिसमें से ये टीम ने ना गाइस 36 मैचेस को जीता है एंड 16 मैचेस को हारा है। ऑल्सो अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, वर्ल्ड कप की मैचेस की बात करें, तो वर्ल्ड कप में ये टीम ने 11 मैचेस खेला है, जिसमें से ये टीम ने ना गाइस 4 मैचेस जीता है एंड 7 मैचेस हारा है। ग्रेटेस्ट विक्ट्री की अगर बात करें तो देखो, 2021 में उन्होंने आयरलैंड को हराया था, जो एक फुल मेंबर की टीम है। ऑल्सो 2022 में ना ये टीम ने श्रीलंका को भी हराया था। एंड आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, श्रीलंका 1 टाइम T20 वर्ल्ड कप की चैंपियंस भी रह चुके हैं। तो इस साल देखो, अफ्रीका क्वालिफायर जो था, उस क्वालिफायर्स को ना नामीबिया ने जीत कर भी आया है, तो उनके पास बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस तो होगा। ऑल्सो इस साल भी नामीबिया ने जिम्बाब्वे को भी हरा कर आया था। देखो, वर्ल्ड कप के अगर मैचेस की बात करें तो उनकी फर्स्ट मैच है अगेंस्ट ओमान, सेकंड मैच है अगेंस्ट स्कॉटलैंड, थर्ड मैच है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड फोर्थ मैच है अगेंस्ट इंग्लैंड। तो देखो, उनको अगर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना होगा ना गाइस, तो पहले तो देखो 2 मैचेस को जीतना होगा। ओमान एंड स्कॉटलैंड के खिलाफ तो 100% जीतना होगा। अगर 2 मैचेस जीत जाए ना गाइस, एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच में जो 2 मैच है, वो दोनों मैचेस में से अगर एक मैच ना गाइस नामीबिया जीत गया, तो नामीबिया सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इट इज पॉसिबिलिटीज है नामीबिया के लिए। जैसे मैंने बताया था कि ग्रुप्स होंगे, मैचेस अगर फेयर होंगे ना गाइस, तो एवरी टीम्स के लिए चांसेस है। तो देखो, नामीबिया की बहुत ही अच्छी चांसेस है एंड मैं ना गाइस नामीबिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव हूँ, क्योंकि नामीबिया शायद क्वालिफाई भी कर सकते हैं। देन स्कॉटलैंड की अगर बात करें, जो मेरे लिस्ट में 2 की रैंक की टीम है ना, स्कॉटलैंड ने टोटल T20 इंटरनेशनल में ना गाइस 89 मैचेस खेला है, जिसमें से 41 विन किया है एंड 44 लॉस किया है। T20 वर्ल्ड कप में ना गाइस टोटल 5 टाइम स्कॉटलैंड ने अपीयरेंस दिया है। बेस्ट रिजल्ट की बात करें तो 2021 में सुपर 12 के लिए क्वालिफाई किया था। वर्ल्ड कप की बात करें ना, वर्ल्ड कप में ये टीम ने टोटल 18 मैचेस खेला है, जिसमें से 5 विन किया है एंड 12 मैचेस हारा है। ऑल्सो उनके पास कुछ अच्छे विक्ट्री है, कुछ अच्छे अपसेट हमें देखने में मिला है। 2021 में उन्होंने बांग्लादेश को अपसेट किया था, देन 2022 में तो उन्होंने वेस्ट इंडीज को अपसेट किया था। इस टीम की कैप्टन है रिची वेरिंगटन एंड यूरोप क्वालिफायर जो था ना, यूरोप क्वालिफायर भी ये टीम जीत कर आया है, तो उनके पास एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। उनके मैचेस की बात करें इस वर्ल्ड कप में, देखो उनकी फर्स्ट मैच है अगेंस्ट इंग्लैंड, सेकंड मैच है अगेंस्ट नामीबिया, थर्ड मैच है अगेंस्ट ओमान एंड फोर्थ मैच है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। देखो, उनके पास भी सिमिलर सा चांस है
नामीबिया के पास जितना चांसेस कम्पेयर टू इनके पास भी इतने ही चांसेस है। एंड देखो फर्स्ट मैच ही इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच में है। एंड मैंने देखा है एवरी टाइम जब कोई यूरोपियन टीम खेलते है ना, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ अगर नेदरलैंड्स, आयरलैंड या फिर स्कॉटलैंड खेलते हैं तो हमेशा ना छोटे टीम ना इंग्लैंड को हरा कर जाते हैं। तो ये मैच भी जो फर्स्ट मैच है इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, ये मैच भी देखने वाली बात होगा। देन मेरे लिस्ट में जो थर्ड टीम है, जो थर्ड रैंक की टीम है वो है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स के कैप्टन है स्कॉट एडवर्ड्स एंड ये ओनली एसोसिएट टीम है जो मतलब डायरेक्टली क्वालिफाई किया है इस टूर्नामेंट पर। ऑल्सो दे आर द ओनली टीम जिसने 2023 की जो ओडीआई वर्ल्ड कप है इसके लिए भी क्वालिफाई किया था। इस टीम की मैचेस की अगर बात करें तो टोटल 98 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं T20 में, जिसमें से टीम ने टोटल 49 विन किया है। ओवरऑल अगर वर्ल्ड कप के अपीयरेंस की बात करें तो देखो 5 टाइम ये टीम ने वर्ल्ड कप में अपीयरेंस दिया है। बेस्ट रिजल्ट देखो 2022 में जो प्रीवियस एडिशन हुआ था इसमें ये टीम ने टॉप 8 भी फिनिश किया था। वर्ल्ड कप की अगर बात करें, वर्ल्ड कप में ये टीम ने ना गाइस वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स ने 23 मैचेस खेला है जिसमें से ये टीम ने टोटल 9 मैचेस को विन किया है एंड 13 लूज किया है। आई थिंक एज एसोसिएट नेशन उनकी स्टैट्स बहुत ही अच्छी स्टैट्स है। विनिंग परसेंटेज 39.1% भी है जो एसोसिएट नेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम उनकी वर्ल्ड कप की बैक टू बैक परफॉर्मेंस की बात करें, 2009 की वर्ल्ड कप में ना उन्होंने फर्स्ट टाइम जब पार्टिसिपेट किया था उन्होंने इंग्लैंड को अपसेट किया था। देन 2014 की वर्ल्ड कप की बात करें तो नेदरलैंड्स ने आयरलैंड को हराया था। देन 2021 वाला वर्ल्ड कप उनके लिए इतना कुछ खास नहीं था। देन 2022 में उन्होंने टॉप 8 में फिनिश किया, उन्होंने जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका को अपसेट किया था। एंड 2024 की अगर बात करें, देखो 2024 में जो वर्ल्ड कप इस साल उनकी मैचेस की बात करें तो फर्स्ट मैच है उनकी नेपाल के खिलाफ, सेकंड मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, थर्ड मैच है बांग्लादेश के खिलाफ एंड फोर्थ मैच है श्रीलंका के खिलाफ। एंड मैं इस गारंटी से कह सकता हूँ कि नेदरलैंड्स का मुझे हिसाब से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई जरूर करेंगे, क्योंकि इसी साल ही नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश को ओडीआई वर्ल्ड कप पे हराया था। देन नेदरलैंड्स, श्रीलंका है इस ग्रुप पे, नेपाल है। आई थिंक नेदरलैंड्स इस ग्रुप से ना गाइस टॉप 8 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं एंड नेदरलैंड्स के चांस बहुत ही अच्छे हैं। कंपेयर टू अदर एसोसिएट नेशन की बात करें ना बहुत ही अच्छे चांसेस है। देन मेरे लिस्ट में जो टॉप 4 टीम है वो है नेपाल। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल की कैप्टन है रोहित एंड नेपाल ने अभी तक टोटल 70 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेला है जिसमें से टीम ने टोटल 42 मैचेस को विन किया है एंड 26 मैचेस को लूज किया है। इससे पहले ना गाइस नेपाल ने एक टाइम वर्ल्ड कप में अपनी अपीयरेंस दिया था ईयर 2014 में। दे प्लेड वेरी गुड इन दिस टूर्नामेंट, ऑल्सो दे बीट अफगानिस्तान ऑन दैट टाइम, जो बहुत एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से एंड बहुत एक छोटा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ना गाइस नेपाल ने बहुत ही कमाल किया है। एंड गाइस ये टीम का ना खास बात मुझे यही लगता है कि ये टीम का ग्रोथ इस टीम को ना गाइस सबसे ऊपर बनाता है मेरे हिसाब से। ये टीम देखो एशिया क्वालिफायर्स के रनर अप भी रह चुके हैं, जो इस साल एशिया की क्वालिफायर्स हुआ था इसके रनर अप भी रह चुके हैं। ऑल्सो रिसेंटली नेपाल ने कैनेडा को तो देखो 3-0 से क्लीन स्वीप करके हराया था। आई नो दिस इज द ओडीआई बट नेपाल धीरे धीरे ना गाइस बहुत ही स्टेडीली इंप्रूव कर रहा है। इस वर्ल्ड कप की अगर बात करें देखो नेपाल की फर्स्ट मैच है नेदरलैंड्स के खिलाफ, सेकंड मैच है श्रीलंका के खिलाफ, थर्ड मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ एंड फोर्थ मैच है बांग्लादेश के खिलाफ। थोड़ा टफ है, देखो नेपाल ने इससे पहले भी अच्छे परफॉर्मेंस किया था तो उम्मीद तो है। नेपाल की जो लोग हैं जो देखते हैं क्रिकेट को उनके पास भी एक उम्मीद लेकर तो वो लोग जाएंगे जरूर। उनको हर एक टीम को हराना होगा अगर वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर करे। अगर नेपाल ने एक दो मैचेस भी जीते ना गए तो मैं भी कोई ज्यादा निराश नहीं होऊंगा, क्यों वो धीरे धीरे स्टेडीली इम्प्रूव कर रहे हैं नेपाल। एंड मेरे लिस्ट में जो फिफ्थ रैंक की टीम है वो है ओमान। ओमान की कैप्टन है जीसन मकसूद। ओमान ने अभी तक टोटल मैचेस खेला है T20 इंटरनेशनल 65 मैचेस खेला है जिसमें से उन्होंने 31 मैचेस को जीता है एंड 32 मैचेस को हारा है। T20 वर्ल्ड कप के अपीयरेंस की बात करें तो 2 टाइम्स ये टीम ने T20 वर्ल्ड कप में अपने अपीयरेंस दिया है जिसमें से दे आर रिसेंटली देखो दे आर द चैंपियंस ऑफ एशिया क्वालिफायर्स। वर्ल्ड कप की बात करें, वर्ल्ड कप में उन्होंने टीम ने टोटल 6 मैचेस खेला है जिसमें से अभी तक ये टीम ने 2 मैचेस विन किया है वर्ल्ड कप में। देखो कप की बात करें तो ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस तो नहीं किया है बट ये टीम ने ना गाइस बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल मुझे नजर आता है। बट दे आर द करंट चैंपियन भी एशिया की। ऑल्सो अगर बात करते हैं उनकी T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के बारे में तो वो फर्स्ट मैच खेलेंगे अगेंस्ट नामीबिया, सेकंड मैच खेलेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, थर्ड मैच खेलेंगे अगेंस्ट स्कॉटलैंड, फोर्थ मैच खेलेंगे अगेंस्ट इंग्लैंड। टफ ग्रुप है बट आई थिंक देखने वाली बात होगा कि ओमान कैसे खेलते हैं बाकी टीम से। देन नंबर 6 की रैंक टीम की बात करें तो वो है पापुआ न्यू गिनिया। इस टीम की कैप्टन है अरशद वाला। तो मेरे हिसाब से ना अरशद वाला जो है वो रियल लाइफ की मतलब किंग है, बिकॉज ही इज द ओनली वन जो इस टीम को ना गाइस
मतलब अभी तक बचा के रखा है। आई थिंक मैं अर्शद बाला के बिना तो ये टीम को अभी तक इमेजिन भी नहीं कर सकता। ऑल्सो अर्शद बाला इज द ओनली वन गाय जिसने PNG क्रिकेट को बचा के रखा है। आज के दिन अगर क्रिकेट थोड़ा बहुत भी मतलब खेला जाता है ना गाइस, बिकॉज ऑफ हिम। एंड अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो मेरा वीडियो है, जाके देख सकते हो, फ्यूचर क्रिकेट इन पापुआ न्यू गिनिया। PNG ने टोटल 53 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेला है जिसमें से 31 मैचेस ये टीम ने जीता है। ऑल्सो 21 मैचेस इस टीम ने हारा है। वर्ल्ड कप की अपीयरेंस की बात करें तो देखो, एक टाइम ये टीम ने वर्ल्ड कप में अपीयरेंस दिया है, तो 2021 में ये टीम ने अपीयरेंस दिया था। दे आर द चैंपियंस ऑफ ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन। ऑल्सो T20 वर्ल्ड कप इस साल जो इसकी बात करें ना गाइस, उनकी फर्स्ट मैच है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, सेकेंड मैच है अगेंस्ट उगांडा, थर्ड मैच है अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड फोर्थ मैच है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ऑल्सो मैं अगर आपको बात बताऊँ ना गाइस, तो इस साल की जो मतलब शेड्यूलिंग किया है ICC ने बहुत ही शानदार किया है। एंड देखो, फर्स्ट मैच उनकी वेस्ट इंडीज के साथ है। अगर आपको हिस्ट्री अगर बताना गाइस, तो PNG ने भी फर्स्ट इंटरनेशनल मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही खेला था। तो देखो, PNG अभी तक की टीम में ना गाइस थोड़ा कमजोर टीम तो है, बट देखने वाली बात हो गई इस ईयर वो कैसे खेलते हैं। ऑल्सो तो वर्ल्ड कप के पहले भी कुछ मैचेस खेलेंगे, तो कुछ प्रिपरेशन वो लोग करेंगे, बट देखने वाली बात होगा कि फाइनल्स में वो कैसे खेलते। देन मेरे लिस्ट में नंबर 7 पर जो है वो है कनाडा। कनाडा के जो कैप्टन है वो है सादबिन जफर। कनाडा ने टोटल 54 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेला है जिसमें से टीम ने 30 मैचेस को जीता है एंड 21 मैचेस को लूज भी किया है। एंड ऑल्सो ये T20 वर्ल्ड कप में ना गाइस कनाडा डेब्यू भी कर रहा है। एंड स्पेशल मोमेंट की अगर बात करें ना गाइस, देखो कनाडा ने बांग्लादेश, आयरलैंड, अफगानिस्तान को भी हराया है। ऑल्सो कनाडा के पास एक खुद का एक ग्लोबल T20 लीग भी है उनके पास फ्रेंचाइजी बेस का। एंड ऑल्सो दे आर द चैंपियंस ऑफ द अमेरिका क्वालिफायर्स। ये टीम देखो पहले बहुत एक शानदार टीम हुआ करता था, बट रिसेंट ईयर्स में ना गाइस ये टीम में हमें ज्यादा मतलब वो नजर नहीं आता है। पहले जितना वो टीम स्ट्रांग हुआ करता था, आज वो टीम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट परहैप्स उन्होंने अमेरिका क्वालिफायर्स को जीत कर तो आया है, तो वो एक पॉजिटिव है। उनकी मैचेस की बात करें, फर्स्ट मैच है अगेंस्ट USA, सेकेंड मैच है अगेंस्ट आयरलैंड, थर्ड मैच है अगेंस्ट पाकिस्तान एंड फोर्थ मैच है अगेंस्ट इंडिया। तो देखो, दिस इज अ वेरी टफ ग्रुप के लिए है। एंड मैचेस जितना थोड़ा इम्पॉसिबल है, तो देखो उनकी बेस्ट मैचेस की बात करें तो देखो USA वर्सेस कनाडा की मैच तो मैं जरूर देखूंगा, बहुत ही शानदार मैच होगा। देन मेरी लिस्ट में जो टॉप 8 की टीम है वो है उगांडा। उगांडा देखो ऑल्सो एक डेब्यू कंट्री है, मतलब उगांडा ना गाइस किसी ICC इवेंट पे हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। उगांडा के कैप्टन है ब्रायन मुसावा। उगांडा ने टोटल 87 T20 मैचेस खेला है जिसमें से टीम ने 66 मैचेस को जीता है एंड 18 मैचेस को लूज किया है। सीरियसली बहुत एक अच्छी फिगर है एज ए T20 इंटरनेशनल स्टैट्स की अगर बात करें। एंड ऑल्सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दे प्ले एनी ICC इवेंट्स अक्रॉस द ऑल फॉर्मेट। एंड 2023 में लगे जो अफ्रीका क्वालिफायर्स हुआ था, उसके रनर्स अप भी रह चुके हैं ये टीम। उन्होंने जिम्बाब्वे को हराया था गाइस। उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी फुल मेंबर के साथ खेला था एंड फर्स्ट टाइम ही उन्होंने फुल मेंबर को हराया एंड डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया T20 वर्ल्ड कप में। रिसेंटली ना गाइस ये टीम ने देखो जो AC अफ्रीका T20 कप है इसको भी जीत कर आया है। इस मैचेस की अगर बात करें तो देखो, इस वर्ल्ड कप में उनकी फर्स्ट मैच है अफगानिस्तान, देन PNG, देन वेस्ट इंडीज, देन न्यूजीलैंड। शानदार ग्रुप है, बट देखने वाली बात होगा कि वो कैसे खेलते हैं। देन मेरी लिस्ट में जो सबसे आखिर की टीम है, जो होस्ट भी है, वो है USA। USA की कैप्टन है मोनाक पटेल। ऑल्सो USA ने गाइस एज ए होस्ट क्वालिफाई किया है। उन्होंने अभी तक टोटल 21 ही ओनली T20 मैचेस खेला है जिसमें से 10 T20 मैचेस उन्होंने जीता है, 9 T20 मैचेस उन्होंने हारा है। ऑल्सो दे डेब्यू भी कर रहा है गाइस इस T20 वर्ल्ड कप में। देखो ये टीम का ना गाइस मतलब मैं मानता हूँ कि ये टीम का मतलब रैंक सबसे नीचे है, 9 रैंक पर है, बट मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये टीम जरूर कमाल के करेंगी, क्योंकि इस टीम में लगाए जो उम्मुख चांद है, कोरी एंडरसन है, लाइम प्लंकेट है, बहुत बहुत जो बड़े बड़े नाम से हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो इस टीम को ज्वाइन कर लिया है। अगर दे प्ले फॉर दिस टीम, जो अली खान भी है, अगर अली खान तो जरूर खेलेंगे, बट ये तीनों प्लेयर जो है ना, अगर वो मैचेस में खेलेंगे, देखो उम्मुख चांद का मुझे पता है वो मार्च में शायद उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाएंगे। कोरी एंडरसन और लाइम प्लंकेट का थोड़ा मुश्किल है, अगर वो लोग USA की टीम से खेलेंगे ना गाइस, मैं श्योर हूँ USA की टीम बहुत ही स्ट्रांग टीम बन जाएगा। मतलब अक्रॉस ऑल एसोसिएटेड नेशन की अगर बात करें ना, USA बहुत ही स्ट्रांग टीम बन सकते हैं। क्या पता
वो एक अपसेट भी हमें कर दे, ऐसा हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी से है यूएसए की टीम से। यूएसए की मैचेस की बात करें तो देखो, फर्स्ट मैच है कनाडा के खिलाफ, सेकंड मैच है पाकिस्तान के खिलाफ, थर्ड मैच है इंडिया के खिलाफ एंड फोर्थ मैच है आयरलैंड के खिलाफ। आई थिंक ये ग्रुप उनके लिए बहुत ही अच्छी है। एंड तो लास्ट अगर हम बात करते हैं कि क्या हमें अपसेट देखने को मिल सकता है प्रीवियस एडिशन के मुकाबले, तो इसका आंसर यस है। स्पेशली नेदरलैंड्स, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ये तीनों टीम ना गाइस मुझे सबसे ज्यादा अपसेट करते हुए हमें नजर आ सकते हैं इस वर्ल्ड कप। एंड ऑल्सो यूएसए भी है इस लिस्ट में। तो गाइस क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट पे बताना गाइस। तो मिलते हैं फ्यूचर के एक और वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे गाइस।